सो फाइनली गाइज, हमने 300 से ज़्यादा अपलोड कंप्लीट कर लिया और इंडिया के अंदर कोई भी मोबाइल जीएफएक्स कम्युनिटी के अंदर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसने 300 अपलोड क्रॉस करे हैं और हमारा यह पहला एंड इकलौता चैनल बन चुका है। तो यार, सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी गाइज। और यह बहुत ज़्यादा टाइम लिया है हम लोगों ने इसके लिए एंड इतना ज़्यादा कंटेंट हम अपलोड कर पाए हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है मेरे लिए। एंड आप लोगों का सपोर्ट रहा ना, तो बहुत जल्द हम 500 भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस यार इतनी बड़ी बात जब हो ही चुकी, तो यार वो फाइनल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भाई मैंने सोचा कुछ स्पेशल करते हैं। तो स्पेशल ये है गाइस कि हम फाइनली डिस्कॉर्ड पे आ चुके हैं गाइस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मुझे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करना, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है नोटिफिकेशन से रिलेटेड एंड काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी नहीं मिलते, बिकॉज यार इंस्टाग्राम प्रोफेशनल वर्क के लिए, वहाँ पर मैं क्लाइंट वर्क करता हूँ तो ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जब हम बातचीत करना चाहते हैं गाइस, तो हमने फाइनली क्रिएट कर लिया है। काफ़ी लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे लेकिन यार मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और मुझे आता भी नहीं था, तो मैंने एक सिंपल सा क्रिएट कर दिया। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। एंड एमएम आर्मी वहाँ पर भी तबाही मचा दो गाइस। और हाँ, चलिए गाइस इस वाले ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लग जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि और भी लोगों को ये वीडियो मिल जाए। एंड फटाफट से यार 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ ताकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें रिवील करनी, तो वो भी जल्दी से करे। सो विदाउट एनी टेकिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टिंग इनटू द वीडियो गाइस। सबसे पहले आपको अपना पिक्सल ऐप ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर से आपको एक टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को इम्पोर्ट करने के बाद आपको अपने चैनल का नाम लिख देना है, लेकिन यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ मैगथीज, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल दे रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैगथीज, ठीक है। आप अपने चैनल का नेम यहाँ से लिख लीजिए और यहाँ पर सारे कैपिटल लेटर ही आपको यूज़ करने हैं एंड इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर ए वाले सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको चले जाना है ए बी यानी कि फ़ॉन्ट के अंदर, ठीक है। और फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा हायर। अब यहाँ से हायर वाला फ़ॉन्ट आपको चूज़ करना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर से ओके कर देना है। एंड यहाँ पर आपको जो चैनल का नाम रखना है ना, वो इसी फ़ॉन्ट के साथ रखना है। अब यहाँ से आपको इसका डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर से मैं क्रिएट कर लेता हूँ या फिर एक नॉर्मल टेक्स्ट लेयर ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है इज़ लाइव, लेकिन यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ऑन एंड्रॉयड, बिकॉज ये मेरा ट्यूटोरियल है, ठीक है। यहाँ पर से ऑन एंड्रॉयड मैंने लिख दिया एंड इसको भी कर दिया ओके। आपको यहाँ पर इज़ लाइव लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर से एक फ़ॉन्ट मिल जाएगा जो कि है पाओलो डोजिक वाइड मीडियम, ठीक है। वाइड मीडियम ही लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंडेड तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पर से आपको दोनों को मतलब लिंक मिल जाएगी, लिंक क्या मैं आपको फाइल ही दे दूंगा, इसको आपको यहाँ पर से सेव कर लेना है एंड इसको इंपोर्ट कर लेना है सेव एज ए इमेज। सो गाइस, अब आपको अपना PSCC या फिर PSTCH जो भी आप यूज़ करते हैं इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर चले जाना है एंड आपको फोटो लाइब्रेरी में ही चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पैक मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने जीरो और फ्लेम करके यहाँ पर सेव करा है ताकि मुझे ईजिली मिल जाए। उसके बाद आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो दिख रहा है ना, इस वाले को आपको सबसे पहले इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पूरा बैकग्राउंड तो सेट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको कलर ओवरले करके मिल जाएगा एक, और ये पूरा एकदम नाइट वाली यहाँ पर से आपको थीम मिल जाएगी, ठीक है। इसको मुझे कर देना पड़ेगा ओवरले, तो यहाँ पर ओवरले करूँगा तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी अच्छी शाइनिंग गन के ऊपर, यहाँ पर एरोप्लेन के ऊपर आप देख सकते हो एंड सारी चीज़ों के ऊपर भी आ चुकी है एंड बहुत ही अच्छा यहाँ पर नाइट का कलर भी निकल के आ रहा है। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो आप कोई भी और कलर चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोटो लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पर से आपको चूज़ करना है इस कैरेक्टर रेंडर को ताकि हमारा कैरेक्टर आ जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छे अच्छे कलर्स निकल के आ रहे हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर एंड यहाँ पर से इस लाइट को यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। जैसे कि इस लाइट को इम्पोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर से आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मून है ना, इसको हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइट मिलने वाली है, तो इसको क्या करना है यहाँ पर जाना है एंड लीनियर डोज कर देना है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक चमकती हुई यहाँ पर लाइट देखने को मिल रही है, इसको आपको कम कर देना है ऑलमोस्ट यहाँ पर 47 मतलब 50 के नीचे रखो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकल गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे, टेक्स्ट में आपको बताऊँगा कैसे इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पबजी का लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको आपको इम्पोर्ट करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर सेट हो जाता है। इसको अगर आप चाहते हो तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर कम भी कर सकते हो, इसको ओपेसिटी ये आपके हिसाब से मतलब आपको जितनी सही लगती है
मैंने यहाँ पर थंबनेल में 43 यहाँ पर करके रखी थी। अगर आपको फुल यहाँ पर चाहिए इसकी ओपेसिटी तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अब हम काम करते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो जो नीला वाला यहाँ पर ये पूरा बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है ना, इसी के ऊपर हम टेक्स्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी। अब यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ, यहाँ से अपना पिक्सल लेयर पर फोल्डर कर लेता हूँ ओपन, ताकि हमें अपने टेक्स्ट मिल जाए। तो यहाँ पर से मैं चले जाता हूँ, ये वाला हमारा पिक्सल लेयर का फोल्डर। तो इसके अंदर हम जैसे ही गए तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे, ताकि हमें हमारा टेक्स्ट मिल जाए। तो यहाँ पर ये रहा हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को हमें इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ पर कर देना है ओके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, एंड यहाँ पर नीचे आ जाएंगे वापस से, एंड इसको हम कर देंगे क्लीन, ताकि वहाँ से वो चले जाए एंड दोनों अलग अलग लेयर क्रिएट हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अपने जो यहाँ पर गेमिंग चैनल का नाम रहता है ना, लाइक ये बड़े वाले डेस्क, इसको आपको यहाँ पर जाना है ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पर सेट कर देना है। सेट कैसे करना है गाइस, यहाँ पर ये गन के नीचे ही हमें रखना है, एंड यहाँ पर इस तरह से आपको इसको सेट कर देना है। याद रखना गाइस कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इतनी यहाँ पर आपको साइज रखनी है सारी चीज़ों की। एंड अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पर विजिबल करने के लिए मैं राइट साइड के अंदर ले रहा हूँ, एंड यहाँ पर ये कम्प्लीटली हो जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर ये हमें पहले तो मैं इसका कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, इसके सिलेक्ट पिक्सल करने पड़ेंगे। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर जाना है ट्रांसफॉर्म में जाना है, एंड एक्सपेंड को यहाँ पर से कम करना है। तो गाइस आप देख सकते हो -3 मैंने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर जाना है इस वाले एंड वाले मतलब सेक्शन के अंदर, यहाँ पर आपको एक ग्रेडियंट देखने को मिल जाएगा। ग्रेडियंट आपको ये वाला यूज़ करना है, तो देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रेडियंट हमने दे दिया है, इसको जस्ट ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट लग चुका है। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर जाना है एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है, एंड इसको हमें टेक्स्ट के नीचे रखना है, ठीक है। एंड आपको कोई भी यहाँ पर से आराम से अपना एक कोई भी यहाँ पर याद रखना कॉर्नर बंद कर देना, कॉर्नर को आपको 0 पिक्सल कर देना है। एंड उसके बाद कोई भी यहाँ पर से सिलेक्शन कर लो, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है एम्प्टी लेयर में ही रहना है, उसके बाद यहाँ पर से ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। अब आपको चारों तरफ इसको फैला देना है, तो मैन्युअली करना गाइस, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। यहाँ पर जितनी आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए उतनी स्पेस आपको क्रिएट कर लेनी है मैन्युअली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर देनी है, और आपको यहाँ पर से लो एस्पेक्ट रेशियो को बंद कर देना है, ताकि आप चारों कॉर्नर को अपने हिसाब से हैंडल कर पाएँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो चुका है, एंड ये हमारी फाइनल चीज़ बचती है यहाँ पर। चलो बढ़िया, अब यहाँ पर इसको हम ब्लैक कलर देने वाले गए। तो यहाँ पर हम एम्प्टी लेयर में रहेंगे, एंड यहाँ पर से फिल एंड स्ट्रोक में जाएंगे, एंड कलर को चूज़ कर लेंगे ब्लैक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नीचे की तो कंप्लीट हो चुकी है गैस, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज कर देना है हमें, तो हम मर्ज डाउन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर चले आएंगे, और अब यहाँ से हम ऊपर वाले टेक्स्ट का काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है गैस, एंड इसको यहाँ पर से ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पर लेके आना है, लाइक इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर लेके आने के बाद आपको इसको यहाँ पर एंड में मतलब मैच कर देना है। और उसके बाद क्या करना है गैस, यहाँ पर जाना है लो एस्पेक्ट रेशियो को अब आपको ऑन ही रखना है, एंड यहाँ पर चल देना है छोटा, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हो इसको, एंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लेके आ जाता हूँ, ताकि मैं नीचे थोड़ा सा हल्का सा मैं ग्रेडियंट दे पाऊँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको रख दिया गैस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, इसका भी एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है, जो कि नीचे ही रखना है, एंड इसके नीचे भी आपको एक ग्रेडियंट ही देना है। तो इसको मैं यहाँ पर से पहले कर लेता हूँ एकदम। तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब सिलेक्शन करने के बाद इसको आपको ग्रेडियंट क्या देना है गैस, यहाँ पर जाना है एंड अपना एक ग्रेडियंट चूज करना है, जो कि होगा इस तरह से। इसको आपको येलो कर देना, वरना आप यहाँ से भी डायरेक्ट येलो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दोबारा येलो चूज़ करके यहाँ पर हम कलर शेडिंग कर देंगे थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वाला ग्रेडियंट देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर ये ग्रेडियंट आ चुका है, ठीक है। अब इस ग्रेडियंट को आपको यहाँ पर रखना है, एंड इसको आपको इसके नीचे कर देना है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली आ चुका है, एंड हमारे जो टेक्स रहेगा ना, इसको हमें ब्लैक करना है। तो आपको इन्वर्ट कर देना है बस यहाँ पर, एंड ये हमारा कम्प्लीटली तैयार, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, बस यहाँ पर एक छोटा सा इफेक्ट देना बाकी है। बस ये आपको नीचे वाले टेक्स्ट लेयर का डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है, और नीचे वाले को आपको जाना है एंड यहाँ पर इसको कर देना है बड़ा, लाइक इस प्रकार से दोनों तरफ बड़ा कर देना है, एंड यहाँ पर इस प्रकार आपको इसको रख देना है, ओके कर देना है।
इसकी ओपेसिटी हमें करनी पड़ेगी, पहले तो हम इसका ब्लेंडिंग मोड कर देंगे ओवरले, एंड देख सकते हो क्या ही बढ़िया लुक निकल गया आ रहा है। एंड अब इसको हम यहाँ से फेड वाला ऑप्शन चूज़ करके सेकेंड वाले में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर से इस पॉइंट को यहाँ पर से रिप्लेस कर देंगे। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें इफेक्ट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको इफेक्ट पूरा क्रिएट कर देना है। दोबारा से फेड वाला ऑप्शन लेना है ताकि हम यहाँ पर इसको राइट साइड के अंदर से कम्प्लीट इरेज कर पाए। आप देख सकते हो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर से एक हल्का हल्का सा हमें इफेक्ट मिल जाए। उसके बाद आप अपनी मतलब जितनी भी मनपसंद यहाँ पर आप करना चाहते हो ना, इतनी मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो लाइक मेरा हमारा पूरा कंप्लीट यहाँ पर ट्यूटोरियल तो कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर चाहें तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। एंड रखने के बाद आपको इसको यहाँ पर ग्रेडियंट में दे देता हूँ। एंड देख सकते हो गाइस यहाँ पर अलग ही यहाँ पर ये लुक आना स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रकार से आप अपनी मनपसंद जितनी भी चीज़ें इसके अंदर ट्राई करना चाहते हो ना गाइस कर सकते हो, बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। एंड बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप इसके अंदर कर सकते हो। तो गाइस इसको मैं यहाँ पर से ओके कर देता हूँ, एंड ये सही भी लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पर इसको रहने देता हूँ। एंड यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है ख़त्म। सो फाइनली गाइज यहाँ पर हमारा कंप्लीट होके रेडी आ जाता है अपना एक थंबनेल, और इसको आप अपने किसी भी लाइव स्ट्रीम के साथ यूज़ कर पाओगे। लाइक अगर कोई और गेम का कर रहे हो तो जस्ट आपको अपना बैकग्राउंड एंड मेन कैरेक्टर का जो रेंडर आपको पीएनजी मिलती है ना उसको आपको चेंज करना है, बाकी सारी मेथड सेम ही है, ठीक है। तो आई होप कि भाई ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक करोगे तो यूट्यूब अपनी तरफ से दो चार और लोगों को इंप्रेशन भेजेगा एंड और लोगों को ये वीडियो चाहिएगी, ठीक है। तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ताकि डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी, एंड इन फ्यूचर में बहुत सारी अपडेट एंड अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं तो आपको वहां पर भी मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम तो आप मुझे फॉलो कर ही सकते हो, वहां पर तो मैं बहुत ही ज्यादा टाइम से एक्टिव हूं ही, और वहां पर भी ऑलमोस्ट हमारे 1K फॉलोअर कंप्लीट होने वाले हैं। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। या या एमडी JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back.